इत्थे आ गया तुहाडा आनंद महल। आनंद महल इतना सड़ा हुआ? बाजी बंबई है बंबई, इत्थे हर चीज उल्टी होंदी है। झुपड़पट्टी का नाम होंदा है सुंदर नगर, ते समुंदर के किनारे बसी चाल का नाम होता है तड़िया महल। तुसी ते नया हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे नहीं, मैं हर चीज झड़ से समझ जाता हूँ लड्डू सिंह जी। मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जो दोस्त है ना, इसने अपनी औकात की सबसे जगह चुन ली है। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, तू कब आया यार? अरे बस मोहन यार, हम भी आ गए आपके सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये किताब पकड़वा। क्यों क्यों क्यों? तो सामान निकालना है ना, इधर से भी निकाल, ऊपर से भी निकाल। ओ अच्छा, मास्टर आदमी है यार। हाँ लड्डू सिंह जी, कितने पैसे हो गए आपके? 62 रुपए 75 पैसे। 62 रुपए, 500 रुपए का छुट्टा आपके पास? भाई जी, सवेरे सवेरे साढ़े को छुट्टा कितना आएगा? ए मोहन, एक काम करना, इनको 65 रुपए दे देना, 35 मुझको दे देना, बाद में हम लोग हिसाब करेंगे। ओके? आते ही शुरू हो गया। लो जी पैसे निकालो जेब में से। और सिर्फ 100 निकालना बस। ओ मेरा यार है राज, 100। थैंक यू जी। ओए बम्बैया, अपने आप ही टिप ले ली, दरवाजा खोल के घर में आ गए। बड़ा घटिया घर। ओ यार मोहन यार, बहुत कमाल का घर बनाया तूने यार। ये टेलीविजन, टेलीफोन, वो फ्रिज, ग्लास, सॉसर, वो बस यही अपना गरीब खाना है यार। खामोश यार, ऐसे आशा नहीं जैसे घर को गरीब खाना कह रहा है तू। अभी झूतारा में रहता है तू, तेरे सामने झू का समुंदर है, ऊपर आसमान के तारे, बगल में फिल्मी सितारे, मतलब कि राइट में अमिताभ बच्चन, लेफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, आगे धर्मेंद्र, पीछे जितेंद्र। और कोई मजाक की बात? मजाक है यार कोई? इस एंगल से तो अपने घर के बारे में कभी सोचा ही नहीं यार। ले ऐसी बात पे लौकी पकड़ ले। अरे मैं तो बोलता हूँ कि मोहन, ऐसी खूबसूरत जगह के ऊपर चटाई बिछा के भी सोने मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं अपने आपको नसीब वाला समझूंगा। हेलो, चटाई क्यों भाई? किस लिए चटाई, जब घर पे बिस्तर है, तकिया, तो व्हाई क्राई फॉर चटाई? तू तो इमोशनल हो गया। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं बिस्तर पे सोऊं और तू चटाई पर सोए तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुझे 500 रुपए किराया जरूर दूंगा। 500 रुपए? अरे यार फिर हर्ट हो गया तू। तू बात बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? हाँ मैं जानता हूँ कि तू मेहमानों को भगवान की तरह समझता है, और अगर तू चाहता है कि मैं मेहमान की तरह रहूं तो ठीक है, मैं मेहमान की तरह रहूंगा। हाथ जोड़ता हूँ भाई, गलती होगी, आगे से किराए की बात नहीं करूंगा। चाय बना दे। मास्टर आदमी है तू। और जल्दी बनाना, फिर चल के तेरा ऑफिस भी तो देखना है मुझे। चाहता तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस? गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन, तू तो ग्रेट आदमी है यार। मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था। तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट। मगर बड़ा चालू आदमी है यार, मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी। ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा। यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। बगल तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी, और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वाने वाने, इधर बैठ, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में बैठ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले मैं बैठ गया। मोहन, बोल, इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है, आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। चल तू बोलता तो चल के देख लेते, आजा चल। अरे रुक तो सही, ऑफिस तो बंद कर लूं। बंद हो गया, चल चल चल। योर ऑनर, हर सबूत, हर गवाह यह साबित कर चुका है कि एंथोनी ब्रूटो का खून इस मासूम दिखने वाले विनय परब ने ही किया है। इस शख्स की उम्र 19 साल है, सिर्फ 19 साल, और जो शख्स 19 साल की उम्र में खून करने जितना खतरनाक हौसला रखता हो, वो आगे चलकर क्या नहीं कर सकता। यार जिस तरह से इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़के के खिलाफ जीरा किया, इस चमन को तो कोई बचा ही नहीं सकता। भैया जिसे कोई नहीं बचा सकता ना, उसे सिर्फ तेजपाल बचा सकता है। कोर्ट में हम लोग। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के बारे में बिल्कुल सही कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत या उम्र कैद। लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं,
मैं इस 19 साल के मासूम कातिल के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर लॉर्डशिप, विनय परब ने 7 साल की उम्र में नेहरू चाइल्ड गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में इंटर स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया, 15 साल की उम्र में SSC में फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हुआ और 17 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी में मैथ्स में पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। और जिस एंथनी ब्रेटो का खून हुआ है, 12 साल की उम्र में उस पर चोरी का पहला इल्जाम लगा था, 14 साल की उम्र में उसने मिनर्वा थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया था, 20 साल की उम्र में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उम्र तक उस पर कत्ल के 4 इल्जाम लग चुके थे। और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर शायद गद्दारी भी कर सकता था, लेकिन इस ना समझ की वजह से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया। योर ऑनर, ऑर्डर, ऑर्डर। योर लॉर्डशिप, इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जीकर क्या करेगा, 5-6 गोल्ड मेडल और जीत लेगा, पढ़ लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाएगा और इन सबको हमारे देश की क्या जरूरत है। योर लॉर्डशिप, पर एक बार जिन हालात में खून हुआ उन हालात में अपने आप को रखकर देखिए। एंथनी ब्रेटो इसके घर वालों को सताता था, इसकी बहन को छेड़ता था, इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन एंथनी ब्रेटो इसके घर पहुंचा, इसकी बहन को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इत्तेफाकन उस वक्त एक घर पहुंचा, इसने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर इंसान अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए करता, जो आप करते, जो मैं करता, जो अदालत में बैठा हर भाई करता। इसने एंथनी ब्रेटो का खून कर दिया। योर ऑनर, इज ट्रू बोल रहा, माइंड ब्लोइंग। तेजपाल साहब, एक नजर इधर सर प्लीज। यार बुआ, ये तेजपाल बड़ा कमाल का बंदा है यार। अरे भाई, तभी तो एक हियरिंग के लाख रुपए लेता है। क्या बात करता है। किसी भी केस को स्टडी करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है, एंड दैट्स माय होमवर्क। इसके बगल में हैंडसम टाइप का लड़का कौन है? वो इसका दामाद है आदर्श, इसके ऑफिस में काम करता था, बेटी से प्यार हो गया तो शादी कर ली तो बगल की पोजीशन हासिल कर ली और आज सब कुछ है इसके पास। यार ये तो ज्यादा बड़ा वकील हो गया यार। वो कैसे भाई? अरे सीधी बात है, देख, इसने जिंदगी भर तकलीफें उठा उठाकर लाख रुपए हीरिंग के लेकर इतने पैसे कमाए, इसने इसी बेटी से एक बार हाँ करवा दी और करोड़ रुपए अंदर कर लिए, हो गया ना बड़ा काबिल आदमी। यार आई हैव नथिंग मोर टू से, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो सारी बातें छोड़ दे, इतना बता कि तेजपाल साहब की कोई दूसरी बेटी भी है? है ना, दो बेटियां हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, उसकी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास एक और वकील दामाद है। कौन है? मैं। ये कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, तू नहीं समझेगा। ओ, मैं मतलब तू है, पर तू उसे बिना देखे शादी कर लेगा? यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अमीर आदमी की बेटी है तो खूबसूरत होगी। राज, एक बात है यार, तू बहुत ही मास्टर आदमी है तू। Hi. Yes, ma'am. This one, please. This one. Yeah, sure. Yeah. Thank you. You're welcome. अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? देखिए ये चश्मा भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसे पहनकर देखिए, ये ज़्यादा सूट करेगा। प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। Okay. Beautiful. Oh my God, this is beautiful. Thank you. Thank you. एक बात कहूँ, अगर गुरुदत्त जी जिंदा होते ना जी, तो आपको लेकर दोबारा चौधरी का चांद बनाते। पैक कर दीजिए। How sweet. अरे रे 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 रे, क्या कर रही है? देखिए, माफी चाहता हूँ, ये कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप ये पहन कर देखिए। अरे that's beautiful. या Thanks. आप ट्राई कीजिए ना। एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर राज कपूर जी जिंदा होते ना, तो आपको लेकर दोबारा सत्यम शिवम सुंदरम बनाते जी। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ। oh. आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। ओके थैंक्स। पैक कर दीजिएगा ये। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते मालूम है? कमाल कौन? अमरोही जी, पाकिस्तान फिल्म बनाई थी जिन्होंने। रियल क्यों? आपको देखकर वो अपने हीरो को डायलॉग देते कि तुम्हारे पांव बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर नहीं, इन सैंडल्स में रखो और भी खूबसूरत नजर आएंगे। या देखिए कितने खूबसूरत। कमाल की बात है, आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ खरीद लिया। You're a good salesman. वैसे मैं पेशे से वकील हूँ। Really? क्या बात है? राज मल्होत्रा, BLLB. Very nice. वैसे मैं अपने लिए, nice to meet you. मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आया था,
आपको गलत सामान खरीदता हुआ नहीं देख सका। पर आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं क्या कोई भी धोखा खा सकता अच्छा तो आप मान रहे हैं कि मेरी शक्ल ऐसी है। नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट यू। ओके, हाँ आप तो जा रही है, मगर मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो एक बार आता है और उसके बाद आता ही जाता है। राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, उसके आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज लेटा यार, और कर लेटा ने मैं कर बैठा। भाई साहब ये सब कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए चलिए जल्दी कीजिए। राज राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप बैठ जाइए, भाई साहब बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए, मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज तू चिंता नहीं करना, बैठिए बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपको दुख नहीं रहा है? कर रहे हो क्या, तोड़ रहे हो, चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कैसे होगा? सो सॉरी, ऊंचा करो ऊंचा करो ऊंचा करो। आस्ते 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 आ आ। अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं दो दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं, तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा, देखो मैंने दो दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह शाम। ये क्या, ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए। कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गए नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर। आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी, आई एम सो सॉरी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपके घर। आई। संभल के संभल के संभल के। हाँ एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। काफी तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ बैठ जाइए। एक मिनट, ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है, मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? Of course. He will meet me? Of course he'll meet you. Oh, मतलब, how sweet of you. नहीं, आप बैठिए ना। Please. आज नहीं, फिर कभी, मैं फिर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। नहीं, are you sure? Okay, thank you, bye. See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी ना बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर, हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने की हमारी ताकत नहीं है, और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो, घर क्यों नहीं खाली करते? देखिए हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहां? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे,
अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए देखिए ऐसा मत कीजिए वकील साहब। देखिए भगवान ने आपको तो इतना खुश दे रखा है, पैसों के खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए। आप हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए देखिए बात तो सुनिए। एक मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो ना इंसाफी है। अच्छा तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना, मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है। जीजा जी ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है जीत भी सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी, आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट, और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद महात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में, 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर हैं, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2,50,000 रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या मात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पे कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने इन्हें 2,50,000 रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरियादिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल छुट्टी करते सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ऑल राइट? सर, मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज अडजर्न फॉर लंच। फॉरगेट अबाउट इट। बैठ जाओ। राज, अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ रहा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। नहीं बोलिए ना। सोचने की कोशिश करो। हाँ, हम कर सकते हैं ना। हाँ नहीं राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया? आई कैन डू इट। हाँ तो मिस्टर वाचानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाचानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने।
अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से। उसके साथ जुड़े हुए हैं इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शहनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज, बड़ा बच्चा आदमी है, क्या कर रहा है? कोर्ट है यार, गले लग जा। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर मैं ये 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज, राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। Hello. अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा, ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है।